भारत माता की वंदे, इनकलाब जय जवान। कवर्धा नगरी के क्रांतिकारी लोगों को इतनी भारी संख्या में देखकर बहुत खुशी हुई, आप सबका बहुत बहुत आभार और स्वागत है। आप घर से निकले, आप मकानों से निकले, दुकानों से बाहर निकले, ये क्रांति का संकेत होता है। यही क्रांति हमने पंजाब और दिल्ली में देखी हुई है, हम चश्मदीद गवाह हैं उसके। आज जैसा कि बोला गया 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, 75 साल हो गए देश को याद हुए, कुछ नहीं बदला। गरीब अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, सरकारी स्कूल में वो शिक्षा नहीं है जो उसको अफसर बना दे। गरीब अपने बच्चे को, अपने बुजुर्ग को इलाज नहीं करवा सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे नहीं है और सरकारी में इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है। तो भाई साहब ये कितनी देर तक चलेगा? ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। आज हम आए हैं आपके पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जैसा कि बोला गया कि उन्होंने आंदोलन करके पार्टी बनाई और करोड़ों लोगों की पार्टी बन गई, और 10 साल में, महज 10 साल में दो राज्यों में हमारी सरकार है, 10 हमारे एमपी हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, 5 हमारे एमएलए गुजरात में हैं, 2 हमारे गोवा में एमएलए हैं, और नेशनल पार्टी इतनी तेजी से उभरने वाली पार्टी कभी नहीं इतिहास में बनी थी भारत में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इनकी तरह हम धर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करते, हम जाति की बात नहीं करते, हमारे पास लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं। तो आपको मैं कहने आया हूं, इनके जुमलों में मत आना। ये बड़े बड़े जुमले सुनाते हैं, जुमले, वो 15 लाख वाला भी जुमला निकला, 15 लाख आ गया किसी के खाते में? पंजाब में भी नहीं आया भाई साहब, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था तब मैंने बोला था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? हर बात ही झूठ है भाई साहब, हर बात झूठ है। तो इनके जुमलों में मत आना। जब वोट देने जाओगे तो एक चीज मेरी आज बात ध्यान से याद रख लेना, मशीन को देखोगे उसमें बटन, बटन के सामने चुनाव चिन्ह, वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी सीढ़ी का या किसी दाती हथौड़े का है, वो बटन ना ही किसी झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर तो सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, अगर वही काम करोगे जो पहले करते आ रहे हो फिर तो हैं ही वो दोनों हैं ही, बारी बारी लूट रहे हैं, उनका क्या करेंगे। और हमारा बटन तीसरे नंबर पर है लेकिन आना पहले नंबर पर है, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना कि तीसरे नंबर का बटन है और जब रिजल्ट आएगा आना पहले नंबर पर है, पहले नंबर। ये झाड़ू सफाई करता है, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान की सफाई करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई। इसीलिए ये डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में जहां भी जाते हैं देश में वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है, तो उन्होंने कहा इनको रोको, इनको रोको प्रचार में जाने से, तो कह रहे हैं ईडी का सम्मन भेजो,
गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो केजरीवाल को, ये पूरे देश में ना फैल जाए। इनको ये पता नहीं है कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जेल की धमकी दे रहे हैं, दो हमारे तीन नेता हमारे गिरफ्तार कर लिए इन्होंने, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लोगे, अरविंद केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल चुकी है। सब केजरीवाल हैं, सब सामने केजरीवाल हैं, जो सच्चा है जो ईमानदार है वो केजरीवाल है बस। पंजाब से आया हूं, डेढ़ साल हो गया, 37,000 से ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां अपने हाथों से देके मैं आपके सामने खड़ा हूं। 37,000, कोई पटवारी, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई एसडीओ, कोई टीचर, हर गांव में 10-10 11-11 नौकरियां मिल चुकी हैं। हर गांव में जहां एक भी नौकरी नहीं मिलती थी, भाई साहब नियत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के पास क्या नहीं है, क्या नहीं दिया भगवान ने, कोयला दिया, जंगल दिया, जल दिया, नदियां दी, सिर्फ सच्ची नीयत वाले नेता नहीं दिए बस। पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी, जीरो बिल आता है। दिल्ली में भी जीरो बिल आता है, यहां भी आ गए हम, गारंटियां हैं हमारी। अब तो मोदी जी भी गारंटी बोलने लगे हैं ना, जब बीजेपी के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। इनकी गारंटियां नकली हैं भाई साहब, असली गारंटी इधर है बस। ये कहते हैं ना डबल इंजन चाहिए, अरे इंजन एक ही अच्छा होता है अगर इंजन में जान चाहिए। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है, और नया इंजन ये केजरीवाल मॉडल इंजन पहुंच चुका है, फराटे से दौड़ता है, पोल्यूशन भी नहीं है, और दिल्ली की गाड़ी पटड़ी पे बहुत स्पीड से दौड़ रही है, पंजाब की गाड़ी पटड़ी पे चढ़ गई है, अब छत्तीसगढ़ वालों आपकी बारी है। अब तो मैं पेड़ देख रहा था, सामने पेड़ है, ये पेड़ भी साल में एक बार पत्ते बदल लेते हैं, अपने पत्ते नए पत्ते ले आते हैं। आप तो बदल के देखिए एक बार, बटन तो बदल के देखिए, एक मौका हम कह रहे हैं, उसके बाद फिर आप मौका देते चले जाएंगे, क्योंकि हम एक बार कहते हैं कि एक बार मौका देके देख लो, अगली बार अगर ये हम अच्छे ना निकले तो हमें फेंक देना, बाहर निकाल देना, लेकिन एक तो मौका दो। तो इसलिए आपके पास आए हैं कि इनके जुमलों में मत आना। मैं देख रहा था ये कवर्धा का छोटा सा बाजार है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान बसता है। गुरुद्वारा साहब आए और राजपूत समाज का भवन आया, ये पंजाबियों के यहाँ बिजनेस हैं, काम है, बिलासपुर में, रायपुर में, सारा देश बसता है। ऐसी दिल्ली में है, दिल्ली में पूरे देश के लोग बसते हैं, दिल्ली देश का दिल है, और मोदी जी दिल के ही दुश्मन बने बैठे हैं कि दिल रोक देना है। दिल नहीं रुकेगा, दिल नहीं रुकेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये देखो, ये इलेक्शन के पास आके ना आखिरी दो महीने में एक लॉलीपॉप देते हैं। इनको ये लगता है जनता 4.5 साल 4.5 साल भूल जाती है, आखिरी के 3-4 महीने याद रहते हैं। चलो जी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, अरे महंगा कितना किया था ये तो बता दो। हम कहते हैं सस्ता कर दिया, ये वो वाली बात है। एक घर में, ये याद रखना ये बात, एक घर में बेटी की शादी थी, अच्छा घर था, जिम्मेदार थे, पैसे वाले, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए सामान इकट्ठा किया, सोने के जेवर, चांदी के जेवर, टीवी, वीसीआर और ये पूरा बेड, पूरा सामान इकट्ठा कर लिया, बेटी को सामान देना है, शादी है। आज रात को सामान था घर पे, कल बारात आने वाली थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है, वो ट्रक लेके आए और ट्रक घर के अंदर बैक करके खड़ा कर दिया। लड़की के परिवार को
एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी, पूरा सामान ट्रक में भर लिया। चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? वो बोले, जी इस कमरे में है। खोलो। खोला, अंदर जाके डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी डरती डरती उठी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट देकर, बेटा ये शागिर्द रख ले, मेरी तरफ से आपका जीवन मंगलमय हो। अगले दिन पुलिस आई, घर का एक भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते, जी लूट के तो चाहे सारा घर ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शागिर्द दे गए। तो ये काम करते हैं आपके साथ, 4.5 साल लूटते हैं और आखिरी में 100 रुपये 200 रुपये का शगन दे देते हैं और हम खुश हो जाते हैं। ये काम नहीं करना है तो झाड़ू चलेगी ना? दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे, इनकलाब इनकलाब, जय जवान इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने आदर मान सत्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बेनती करूंगा, भारत के ऐसे नेता जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को धरती दिखाई और जनता को इज्जत और मान दिया, मेरी मुराद है क्रांतिकारी नेता अरविंद केजरीवाल जी।